नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है दिल्ली की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में 4 चरणों में दिल्ली जोड़ो यात्रा निकालेगी, जो 1 महीने तक चलेगी। इसकी शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट से 8 नवंबर को होगी। वहीं दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैनात करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस पहल का ऐलान किया, जिसके तहत बस मार्शल्स की नियुक्ति होगी। ये वॉलंटियर्स वायु प्रदूषण को रोकने में मदद करेंगे और दिल्ली की बसों में प्रभावी रूप से तैनात रहेंगे। वहीं अगर आप आज सेंट्रल दिल्ली की ओर जाने का सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपना रूट देख लें, क्योंकि आज मंगलवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से शुरू होने वाली मैराथन में 7700 लोग भाग लेंगे। इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने मध्य दिल्ली के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में पद यात्रा की और लोगों से अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल को वोट नहीं दिया गया तो अच्छे स्कूल अस्पताल बनने बंद हो जाएंगे, मुफ्त बिजली पानी बंद हो जाएगा और महिलाओं को मिलने वाली मुफ्त बस यात्रा भी बंद हो जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं दिल्ली एम्स में ब्रेन स्ट्रोक के इलाज में एक नए स्टेंट रिट्रीवर का ट्रायल शुरू हो गया। इस तकनीक से अब तक 2 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। ये ट्रायल देश के 16 अस्पतालों में चल रहा है। इस स्टेंट रिट्रीवर की कीमत मौजूदा स्टेंट रिट्रीवर की तुलना में 1/4 है, जिससे इलाज की लागत में काफी कमी आ सकती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।